लाइफ में पहली बार हम इंडिया के ऐसे स्टेट में जाने वाले हैं जहाँ पे हम कभी नहीं गए। बन है बन। आज पक्की हमारी फ्लाइट मिस होने वाली है गाइस। बाड़मेर से जोधपुर जा रहे हैं गाइस। जाएंगे मनोज जी? हम यही बस में बैठ के बाड़मेर से 200 किलोमीटर दूर जोधपुर जाएंगे गाइस। मैं अकेला ही। ये देखिए 5:11 हुई है, हम बाड़मेर से हैदराबाद जा रहे हैं। पचपत्र आ गया नागाड़ा राय होटल। नींद में से उठ गया है गाइस मनोज जी। नागाड़ा राय होटल आ गई है। नागाड़ा राय गाइस, खतरनाक नींद आ रही थी लेकिन नागाड़ा राय होटल में फ्रेश हो जाते हैं। चलिए चाय पीते हैं। हम इतनी नींद में थे गाइस के बाड़मेर से पचपतरा जो कि 100 किलोमीटर दूर है कब आ गया हमें पता ही नहीं चला। और ये देखिए गाइस कितने सारे लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये देखिए होटल का नज़ारा देखिए। पहले ये होटल ऐसा दिखता था। यहाँ की चाय इतनी फेमस है कि एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा लीटर दूध की चाय बन जाती है। और खमन गुजरात के सूरत के फेमस खमन जो यहाँ पे 200 से भी ज्यादा केजी एक ही दिन में बिक जाते हैं गाइस। पचपतरा में जैसे ही रिफाइनरी का काम शुरू हो गया यहाँ की जमीन की किस्मत ही बदल गई गाइस। गाइस हम अभी पचपतरा के पास माँ नागानाराय होटल पे रुके हुए हैं। यहाँ पे 7:10 हुए हैं बाड़मेर से निकले हैं गाइस जोधपुर जाने के लिए। बाड़मेर से जोधपुर वाया पचपतरा का रास्ता इतना खूबसूरत और एकांत है कि आपको पूरे रास्ते में शायद ही कोई व्हीकल की अवर जवर दिखेगी गाइस। ये रास्ता बहुत ही आइसोलेटेड और रिमोट एरिया वाला है गाइस। खूबसूरत खेतों के नज़ारे और बहुत ही खूबसूरत सनराइज देखने को मिलता है। बस में बैठ गए और बराबर नींद नहीं आई अभी भी हमें। और पचपतरा थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी लेकिन उठना पड़ा। 2 घंटा बचा है और जोधपुर में गाइस। बस बने रहिए, देखते रहिए। 9:09 हुई है, जोधपुर पहुंच गए हैं और जोधपुर पहुंच के ही हमें हिया फेवरेट पप्पीज दिख गए हैं गाइस। ये देखो ये पप्पीज इधर ही रहता है मनोहर जी। ये कितने हैं ऐसे? ये इसका रेजिडेंसी इधर ही है। किसने बांधा इसको? बांधा नहीं है, ये खुला है। ये ओनली फॉर नॉनवेज खाता है, दूसरा कुछ नहीं। नॉनवेज खाता है? इसको देखो किसी ने मार दिया। ए पप्पी हाउ आर यू? बहुत ही क्यूट पप्पी है ये। बहुत बढ़िया पानी की सुविधा की है, गरम का काम हो रहा है। गुड गाइस, ये हमारा रूम है। अभी रेस्ट करेंगे, उससे पहले हम बना लेते हैं सेविंग करेंगे फिर 12:15 का हमारा फ्लाइट है। लाइफ में पहली बार हम इंडिया के ऐसे स्टेट में जाने वाले हैं जहाँ पे हम कभी नहीं गए। बस देखते रहिए, थोड़ी देर में बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली फ्रेश हो गए हैं। देखिए सेविंग वगैरह कर लिया है लेकिन अभी जोरों से भूख लग गई है क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं था हमने। अभी 9:51 हुआ है हमारा गंगाधरा का रेगुलर टाइम। हम जब स्कूल में थे ना तो यही टाइम पे खाना खा के स्कूल जाते थे। तो हम आज 10 से पहले लंच करने वाले हैं गाइस। हमारा लंच हम हेल्दी फूड से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये है कैरेट,
ककुम्बर, लेमन, पपैया, ये पहले फिनिश करेंगे। बाद में छोले लिए हैं और थोड़ी सी दाल, और ये देखिए चार गरम गरम रोटी है, पतली पतली घर जैसी मस्त, वो हम खाने वाले हैं आज लंच में। और उसके अलावा दो ग्लास बटर मिल्क। मजा आ गया। फ्रेश है सलाद, एकदम फ्रेश है गाइस। और पपैया अपनी हेल्थ के लिए बहुत बहुत सही है, ये शरीर को बहुत फायदे होते हैं, वो भी मस्त है। मजा आ गया। थोड़ा तूफानी करते हैं ग्लाइस, पपैया को थोड़ा लेमन, और इसके सलाद के ऊपर लेमन, दाल में लेमन, और ये छोले में भी लेमन डाल दिया। क्या आप भी ऐसा करते हो क्या मेरे जैसा? करते हो तो कमेंट कर देना गाइस। लंच कंप्लीट हो गया है हमारा, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। जय बाबा रामदेव जी की जय हो। ये देखिए अपना खास मंदिर, और वहाँ छोले भटूरे खाने आते थे हम, बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं जोधपुर एयरपोर्ट जा रहे हैं। गाइस बने रहिएगा। देखिए गाइस क्यों हम इतना बड़ा कार्टून बॉक्स लेके ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्या है ऐसा इसके अंदर, सब बताएंगे गाइस आपको। ये देखिए एक दो और तीन तीन, पता नहीं वो लेके जाने देगा या भी नहीं, और उसका वेट कितना होगा, क्या एक्सिस हो जाएगा। बने रहिए। जोधपुर एयरपोर्ट पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो ज़्यादा नहीं लेंगे हम। जोधपुर एयरपोर्ट पे फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, सारी प्रोसेस कंप्लीट करके फाइनली बस में बैठ गए हैं, अभी हम फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं। ये देखिए दो दो बोर्डिंग पास है, कहाँ के लिए है ना, सब सरप्राइज रखो तभी आप दूर तक वीडियो देखोगे, एंड तक वीडियो देखोगे, नहीं तो वीडियो नहीं देखता है कोई, स्किप कर देता है, ठीक है। एकदम सरप्राइज ट्रैवलिंग है ये आपके लिए भी। अजीज भाई फ्लाइट में बैठ गए हैं मुंबई एयरपोर्ट। तीन बजे का डिपेचर टाइम है हमारा। ये देखिए 2:26 हो गई है, अगले 14 मिनट में गेट क्लोज होने वाला है, और हम निकल गए हैं एयरपोर्ट की सैर पे। सिर्फ 14 मिनट में गेट बंद होने वाला है। ये स्टारबक्स जहां पे हम कपिल भाई को मिले थे। लाइफ में पहली बार, ओह माय गॉड, तो गाइज ये है मुंबई एयरपोर्ट, ये है मुंबई एयरपोर्ट। अगले 10 मिनट में हमारा फ्लाइट, हमारा बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है, और जाते जाते मैं बता देता हूँ, लाइफ में पहली बार
हम हैदराबाद जाने वाले हैं गाइस। ये देखो ये जो अदानी की लॉन्च है उसमें कितनी सारी भीड़ है देखो गाइस। आज तो फ्लाइट गई, आज फ्लाइट गई हमारी। भागो भागो, आज आज पक्की हमारी फ्लाइट मिस होने वाली है गाइस, पक्की फ्लाइट मिस होने वाली है। वाओ ब्यूटी, बचपन से अब तक हमने सिर्फ हैदराबाद का नाम सुना है, आज पहली बार वहां जा रहे हैं। हैदराबाद जाने की खुशी गाइज, हैदराबाद का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे, चार मीनार जाएंगे और देखिए कहां कहां जाते हैं गाइज। और ये देखिए गाइज, ही आर फेवरेट हैमलीज, ये देखिए वाव कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खिलौने रखे हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया हैमलीज। फाइनली देखो हमारी फ्लाइट का बोर्डिंग ऑलरेडी चालू हो गया है। हैदराबाद, ओ माय गॉड, गेट क्लोज, गेट क्लोज। जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6:07 गाइस, 2 मिनट से बचे हैं, सिर्फ 2 मिनट से, 2 मिनट और लेट हो जाते हैं ना हम, सिर्फ 2 मिनट तो हमारी फ्लाइट चली जाती है। फिर क्या बस पकड़ के जाना पड़ता हैदराबाद, बस में कितना टाइम लगता है मुंबई से हैदराबाद पता नहीं, देखना पड़ेगा, हम थोड़ी गए हैं कभी। हैदराबाद जा रहे हैं गाइस, अब फ्लाइट में जाके वापस कनेक्ट करेंगे, बने रहिए। ऐसा क्या हो गया हम अचानक हैदराबाद जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां जाके, कहां रहेंगे, बस सारे सवालों का एक ही जवाब, टैडी पोपट लॉट। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ गाइस। बहुत लंबी कतार है हैदराबाद जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए फ्लाइट में बैठ गए हैं। यह एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हैदराबाद एयरपोर्ट इतना खूबसूरत रहेगा गाइस।